जिस प्रकृति के चलते बदनाम किया जाता है, वो प्रकृति एक बार फिर से नीतीश कुमार के तरफ से दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है कि ये इसी तरह की प्रतिक्रिया करेंगे, ये बदलने वाले नहीं। नीतीश कुमार को ये बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि 2005 में जिन लोगों के भ्रष्टाचार, जिन लोगों के जंगल राज के विरुद्ध आप सरकार में आए थे, बिहार की जनता ने आपको बुलाया था, उसी बिहार की जनता के साथ आप फिर से भ्रष्टाचार और जंगल राज को लेकर के आ गए हैं, उनको प्रश्न है। तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, और इतना ही नहीं, सरकार के भीतर भी जो चल रहा है वो भी बहुत कुछ कहने को मजबूर कर रहा है। फैसले मंत्री लेते हैं और निरस्त नीतीश कुमार करते हैं। मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, उनके पास ये अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद ये बार बार होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ कर रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। एक बड़ी पुरानी बात है जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, और ये अलग अलग तरह से इसका प्रयोग भी किया जाता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाने से भी नहीं छूटती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी तत्व हैं इनको छुपाने की कोशिश भी की जाती है। जैसे आप पान खाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपके शरीर पर छींटा नहीं पड़े, किसी को उससे दिक्कत नहीं हो, लेकिन वो तो लाल रंग अपना दिखा ही देगा। तो वहीं बात करें तो खून की, तो वो भी कभी छुपता नहीं है, जहाँ भी होगा वहाँ अपना पहचान छोड़ देगा। खांसी की बात करें तो ये भी आपको पहचान दिला देती है कि आप अस्वस्थ हैं, कितना भी आप रोकने की कोशिश कीजिएगा उसको आ ही जाना है। तो वहीं बताते हैं कि खुशी भी जो 2022 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चेहरे पर नज़र आ रहा था 9 तारीख को, वो खुशी अब नज़र नहीं आ रही है। यानी कि खुशी तब नज़र आई थी इसलिए वो भी छुप नहीं पाई। तो वहीं बैर भी दोनों के बीच में चल रहा है, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, जो दोनों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है, चेहरे के भाव बता देते हैं। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि प्रेम भी अगर हो तो वो भी छुपता नहीं है। तो वहीं जो शराबबंदी बिहार में है उसके बावजूद भी कुछ लोग जो अवैध तरीके से इसका व्यापार कर रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी नहीं छुप पा रहे हैं। समय समय पर उनकी धरपकड़ होती है, और शराब पीने के आरोप में सबसे अधिक लोग शराब का सेवन करने, शराब को व्यवसाय करने, काला व्यवसाय करने के आरोप में अधिकांश लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग बिहार की राजनीति की जब चर्चा करेंगे तो हम आपको बता रहे हैं लगातार कई दिनों से, और ख़ास करके आज सवेरे ही हमने आपको बताया था कि आखिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में बार बार मीटिंग क्यों हो रही है, इस मीटिंग के पीछे के कारण क्या है, क्या दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर के मीटिंग हो रही है, या फिर इतना नेगेटिव हो गया है कि दोनों उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, और इतना ही नहीं, सरकार के भीतर भी जो चल रहा है वो भी बहुत कुछ कहने को मजबूर कर रहा है। फैसले मंत्री लेते हैं और निरस्त नीतीश कुमार करते हैं। मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, उनके पास ये अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद ये बार बार होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ कर रहा है। कौन कर रहा है और इसके पीछे की रणनीति क्या है? लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर 15 साल के बाद आई थी 2015 में, 2 साल भी नहीं हुआ, अभी सोच ही रही थी कि कैसे आगे क्या करना है, तब तक सरकार से अलग हो गए नीतीश कुमार और सरकार महागठबंधन की गिर गई, गांठ खुल गया। एक बार फिर से जब नीतीश कुमार 2022 में आए, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 1 साल पूरा होने में लगभग 1 महीने के आसपास या 15 दिन मान के चलिए देरी है, लेकिन इस परिस्थिति और स्थिति में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, और गांठ जो है फिर खुलने के इंतजार में है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की साख पर भी बट्टा लगेगा, और नीतीश कुमार को लोग बार बार इस तरह की प्रक्रिया करने के लिए दोषी ठहराएंगे, हालांकि अभी ठहरा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इससे निकलने का रास्ता भी जानते हैं। दोनों ही गठबंधन, चाहे वो NDA हो या महागठबंधन हो, दोनों नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछा के रखता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ नीतीश कुमार का दोष नहीं है, नीतीश कुमार अगर इधर से उधर जाते हैं और कोई गठबंधन कह दे कि नहीं हम आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं तो क्या होगा? लेकिन सत्ता के लोभ में सभी आते हैं, और वही हाल है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, लेकिन फंस ही जाता है।
नीतीश कुमार जिस तरह की फैसलों को निरस्त कर रहे हैं उससे दो तीन बातें बहुत साफ स्पष्ट नजर आ रही है। पहला ये कि नीतीश कुमार हर हाल में अपने जो जीरो टॉलरेंस वाली क्राइम करप्शन कम्युनलिज्म पर है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि करप्शन को लेकर के और करप्शन की सुगबुगाहट फैलाने के लिए या उसमें करप्शन निकालने के लिए, क्योंकि देखिए इतनी भारी मात्रा में ट्रांसफर पोस्टिंग होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बात है, और नियमों के विरुद्ध भी अगर होता है वो भी गलत है। स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसको लेकर के नीतीश कुमार ने फाइनल फैसला लिया, निरस्त किया, और इतना ही नहीं जांच कमेटी बैठाई। आप इस बात को जानते हैं, कई बार हम भी आपको बता चुके हैं। फिर से जो भूमि और राजस्व विभाग में होता है लगभग 480 लोगों का तबादला, वो भी कहा जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध हुआ, उसमें भारी अनियमितता थी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इस विभाग को लेकर के पहले भी विवाद छिड़ा है। जब नीतीश कुमार एनडीए में थे, एनडीए बैकफुट पर आ गई और सरकार तब बची रह गई, लेकिन सुगबुगाहट तो वहां से शुरू हो गई थी। इसके अलावे नीतीश कुमार खुद की छवि के साथ साथ भ्रष्टाचार से वो समझौता नहीं कर सकते हैं, और लालू प्रसाद उनकी टीम राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव न तो इनके भ्रष्टाचार में वो शामिल होना चाहते हैं, न इसको प्रश्रय देना चाहते हैं, और न इन लोगों पर जो आरोप मिला है, आरोप लगा है, जो चार्जशीट हुई है, जो जेल के सलाखों के पीछे लालू प्रसाद रहे हैं उसमें से 1% से का सौवा हिंसा भी, 1% का एकदम 0.001% भी नीतीश कुमार अपने तरफ नहीं आना चाहते हैं, यानी छीटा नहीं पड़ने देना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को यह दिखाना होगा कि वो साफ सुथरी छवि के हैं, और आज भी भले ही वो जिसके साथ भी हों लेकिन उनकी छवि वही है, क्योंकि नीतीश कुमार को टारगेट करना है तो उनके चरित्र पर लेकर के, उनके काम करने की शैली पर लेकर के, उनके भ्रष्टाचार के लेकर के आप नहीं घेर सकते हैं। नीतीश कुमार को अगर घेरना हो तो इसी मुद्दे पर घेर सकते हैं जिसको लेकर बड़ी दावे के साथ नीतीश कुमार कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और यहां नीतीश कुमार घेर सकते हैं, इस पर घेरना भी शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार को यह बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि 2005 में जिन लोगों के भ्रष्टाचार, जिन लोगों के जंगल राज के विरुद्ध आप सरकार में आए थे, बिहार की जनता ने आपको बुलाया था, उसी बिहार की जनता के साथ आप फिर से भ्रष्टाचार और जंगल राज को लेकर के आ गए हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं। यहां नीतीश कुमार अपनी छवि को अलग करने के लिए ये सारी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अब एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, और खास करके अगर नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ कोई देखता हो तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जितनी बार भी नीतीश कुमार गए हैं उतनी बार लालू प्रसाद से मिलने का मतलब कोई पॉजिटिव बात नहीं रही, नेगेटिव बात रही है, क्योंकि इन बातों को छुपाने के पीछे छुपाया वही जाता है जो दिखाने के काबिल नहीं हो। आप याद कीजिए ना, जब नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए तब भी मीडिया साथ में थी, जब राज्यपाल के पास सीधे लालू आवास पहुंचते हैं, राबड़ी आवास पहुंचते हैं, तब भी मीडिया उनके साथ थी, जब बाहर निकले तब भी मीडिया उनके साथ थी, और हर विषय पर, हर वक्तव्य को लेकर के उन्होंने मीडिया से सामना किया। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई है कि जब जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है मीडिया को भनक तक नहीं लग रही है? इसका मतलब है कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ एक खिड़की एक बार फिर से खुली नजर आ रही है। हमने आपको सुबह ही खबर दिखाया था कि हरिवंश संसदीय बोर्ड की बैठक में, मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। जदयू के सभी सांसद राज्यसभा हों या फिर लोकसभा हों, वो सभी पहुंचे थे, लेकिन उस बैठक में ये नहीं पहुंचे थे। इसका सीधा मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हरिवंश उस बैठक में नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है कि अभी भी वो खिड़की दरवाजा खुला हुआ है, और उस दरवाजे को अभी तक दोनों तरफ से बंद नहीं किया गया है। इन सारी बातों को लेकर के अब ये साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी के साथ जो चल रहा है, जो कोल्ड वार चल रहा है दोनों के बीच में, तेजस्वी और नीतीश के बीच में, उसके कारण ये आप मान के चलिए, और जो चर्चाएं होने लगी हैं अलग अलग राजनीतिक दलों में, चाहे कांग्रेस में चर्चा की बात हो या फिर वाम दलों में चर्चा की बात हो, सभी इस बात को चर्चा में ला दिए हैं। सभी के भीतर एक इस बात का डर बना हुआ है कि क्या ये सरकार टिकेगी, चलेगी।
सरकार कहीं ना कहीं मिशन मोड में चल रही है, अलर्ट मोड में चल रही है, और ऐसी स्थिति में लालू का सारा दांव पेच नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब एक महीने से शिक्षा विभाग के मंत्री अपने कार्यालय नहीं जा रहे हों, स्वास्थ्य विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द किया जा रहा हो, उस पर जांच कमेटी बैठाई जा रही हो, और भूमि और राजस्व विभाग जो कि आलोक मेहता काफ़ी ईमानदार कहे जाते हैं, उनके विभाग के हुए तबादले भी रद्द कर दिए जाते हों कि नियमों के विरुद्ध हुए हैं, इसमें बहुत सारी अनियमितता हुई है, तो ये साफ दिखाता है कि राष्ट्रीय जनता दल को जिस प्रकृति के चलते बदनाम किया जाता है, वो प्रकृति एक बार फिर से नीतीश कुमार के तरफ से दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है कि ये इसी तरह की प्रतिक्रिया करेंगे, ये बदलने वाले नहीं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि कोल्ड वार शुरू हो गया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।